हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का एक क्वेश्चन, जो कि दिसंबर 2018 एग्जामिनेशन में आया था और जिसका वेटेज था अप टू सिक्स मार्क्स। राइट, वेरी इजी क्वेश्चन। और इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का क्वेश्चन हमेशा इजी आता है और इस क्वेश्चन को जरूर अटेम्प्ट करना चाहिए, बहुत इजी क्वेश्चन। सो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम। द क्वेश्चन इज, मिस्टर चतुर्वेदी डेली हैज 3 हाउस प्रॉपर्टीज इन वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडिया। द डिटेल्स आर गिवेन बिलो। राइट, डेली, चंडीगढ़ एंड वेस्ट बंगाल। डेली, चंडीगढ़ एंड वेस्ट बंगाल। फर्स्ट वन इज सेल्फ ऑक्यूपाइड एंड द रिमेनिंग टू आर लेट आउट। राइट, रेंट रिसीव्ड फॉर फर्स्ट वन नील, फॉर सेकेंड वन 3,60,000 एंड फॉर थर्ड वन 1,80,000। फेयर रेंट फॉर फर्स्ट वन 2,40,000, फॉर सेकेंड वन 3,00,000 एंड थर्ड वन 1,50,000। म्यूनिसिपल वैल्यू फॉर फर्स्ट वन 2,10,000 एंड चंडीगढ़ 2,40,000 एंड फॉर कोलकाता 1,20,000। स्टैंडर्ड रेट गिवेन इन क्वेश्चन, 1,80,000 फॉर डेली, 2,10,000 फॉर चंडीगढ़ एंड 90,000 फॉर कोलकाता। म्यूनिसिपल टैक्स ड्यू फॉर डेली यूनिट 20,000, फॉर चंडीगढ़ 40,000 एंड फॉर कोलकाता 30,000। राइट, अगेन म्यूनिसिपल टैक्स पेड बाई द एसएससी फॉर डेली नील एंड फॉर चंडीगढ़ नील एंड फॉर कोलकाता 20,000। राइट, 20,000। नाउ इंटरेस्ट ऑन मनी इज बोरोड गिवेन, फॉर फर्स्ट वन 2,80,000 एंड फॉर सेकेंड वन 1,40,000 एंड द थर्ड वन 1,50,000। अगेन नोट दैट ऑल द प्रॉपर्टीज वेयर एक्वायर्ड कंस्ट्रक्टेड आफ्टर फर्स्ट अप्रैल 2013। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द इनकम ऑफ मिस्टर चतुर्वेदी चार्जेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फॉर द असेसमेंट ईयर 2021-22। तो ये था क्वेश्चन। तो हम लोगों को पता है अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड होगा तो वहाँ क्या होगा, आंख बंद करके एनुअल वैल्यू हमेशा नील रहेगा। आंख बंद करके एनुअल वैल्यू जो है वो हमेशा नील रहेगा। तो एक तो आपका डेली यूनिट का तो इजीली सॉल्व हो गया, एनुअल वैल्यू अगर नील रहेगा तो इसका कोई इम्पैक्ट नहीं रहेगा। रेंट रिसीव्ड, फेयर रेंट, म्यूनिसिपल वैल्यू, स्टैंडर्ड रेट, इसका कोई इम्पैक्ट नहीं रहेगा। बाकी सिर्फ जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है अगेंस्ट इंटरेस्ट ऑन मनी बोरोड वो माइनस हो सकता है, वो और वो भी दैट टू बी अप टू सर्टन सीलिंग लिमिट, अप टू ए सर्टन सीलिंग लिमिट। राइट, तो इधर भी आपको देखना होगा कि इधर दिया गया है कि प्रॉपर्टी जो है वो एक्वायर्ड कंस्ट्रक्टेड आफ्टर फर्स्ट अप्रैल 2013। तो हमको लॉ में पता है एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961, अगर कोई बंदा 1999 के बाद अगर कोई हाउस परचेज करता है या फिर एक्वायर करता है तो वहाँ उसको सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में मैक्सिमम 2,00,000 तक मिल सकता है इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। राइट, लेकिन अगर पिछले वाले साल में हुआ तो वो हो जाएगा 30,000 लिमिट। राइट, तो इधर क्या हुआ है, आफ्टर फर्स्ट अप्रैल 2013, सो हियर इन केस ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड इट विल बी अलाउड अप टू 2,00,000 इन केस ऑफ डेली यूनिट। So here in solution also given that for daily unit self occupied, so municipal value, fair rent जो भी है, standard rent, expected rent, ये सब nil रहेगा, municipal tax का कोई applicable नहीं आएगा, net annual value हमेशा nil रहेगा। और जो deduction है first under section 24A, ये standard deduction है, right? अंडर सेक्शन 24A, ये जो है वो नील रहेगा फॉर द यूनिट विच इज सेल्फ ऑक्यूपाइड। बट
यहाँ क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल जो है वो माइनस हो सकता है दैट टू बी सर्टन लिमिट। इधर क्वेश्चन में गिवन 2,80,000 बट अप टू हम लोग 2 लाख तक ले सकते हैं, तो मैक्सिमम अलाउबल लिमिट विल बी 2 लाख इन केस ऑफ डेली यूनिट। सो 2 लाख ले लिया और ये आ गया आपका फॉर द फास्ट यूनिट लॉस रुपीज 2 लाख, तो इजीली हो गया। नाउ कम्स टू चंडीगढ़, चंडीगढ़ इज लेट आउट। सो इधर देखना है कि रेंट रिसीव हुआ है 3,60,000, फेयर रेंट है 3 लाख और म्यूनिसिपल वैल्यू है 2,40,000। तो हम लोगों को पता है म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट के अंदर जो हायर है वो जाएगा, तो इसमें कौन हायर है, 3 लाख, लेकिन सब्जेक्ट टू स्टैंडर्ड रेंट, राइट, सब्जेक्ट टू स्टैंडर्ड रेंट। तो अगर इसमें हायर देखा जाएगा और उसके साथ स्टैंडर्ड रेट को कंपेयर किया जाएगा और स्टैंड जो है वो लिया जाएगा, तो यहाँ पर 3 लाख 2,40,000 के अंदर हायर है 3 लाख, अगेन फिर लोअर देखा जाएगा 3 लाख के साथ 2,10,000, मतलब जो हायर है उसके साथ कंपेयर किया जाएगा स्टैंडर्ड रेट और जो लेस होगा उससे एप्लीकेबल लिया जाएगा, तो वो है 2,10,000। यहाँ पर देखो म्यूनिसिपल वैल्यू गिवन 3 लाख एंड फेयर रेंट, सॉरी म्यूनिसिपल वैल्यू गिवन 2,40,000, फेयर रेंट गिवन 3 लाख और इसमें हायर है 3 लाख, 3 लाख लेके अगेन वो उसको कंपेयर किया गया है स्टैंडर्ड रेंट के साथ, स्टैंडर्ड रेंट था 2,10,000, सो इधर 2,10,000, लेकिन स्टैंडर्ड रेंट उसके बाद फिर से क्या होगा, स्टैंडर्ड रेट के साथ एक्चुअल रेंट को कंपेयर किया जाएगा और जो हाई है वो हो जाएगा आपका ग्रॉस एनुअल वैल्यू। तो स्टैंडर्ड रेंट था 2,10,000 और एक्चुअल रेंट रिसीव ड्यूरिंग द ईयर इज 3,60,000, सो यहाँ हायर है 3,60,000, तो 3,60,000 इज द रेंट रिसीव, सो विच इज द हायर वन, सो टेकन एज ग्रॉस एनुअल वैल्यू फॉर चंडीगढ़ यूनिट दैट इज 3,60,000। नाउ अगेन म्यूनिसिपल टैक्स पेड बाय द एसएससी, हियर म्यूनिसिपल टैक्स पेड बाय द एसएससी इज नील फॉर द यूनिट चंडीगढ़, सो नो इम्पैक्ट अपॉन म्यूनिसिपल टैक्स फॉर द यूनिट चंडीगढ़, तो 3,60,000 आ गया। और इसमें क्या होगा, स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% ऑफ NAV ये अलाउबल होगा, 1,08,000, 3,60,000 इंटू 30%, 3,60,000 इंटू 30%, ये हो गया 1,08,000, ये माइनस हो गया। और अगेन सेक्शन 24B, अंडर सेक्शन 24B क्या है, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल कितना दिया गया है क्वेश्चन में, 1,40,000। तो हम लोगों को पता है कि इन केस ऑफ लेट आउट देयर इज नो सच मिनिमम सीलिंग लिमिट फॉर इंटरेस्ट ऑन मनी बोरोड, देयर इज नो सच मिनिमम सीलिंग लिमिट, तो इधर है 1,40,000, तो पूरा का पूरा 1,40,000 अलाउ हो जाएगा, तो 1,08,000 30% ऑफ नेट एनुअल वैल्यू एंड इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल 1,40,000, ये दोनों लेस हो जाएगा एनुअल वैल्यू से, तो रिमेनिंग आएगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 3,60,000 माइनस 1,80,000, 1,08,000 माइनस 1,40,000, ये हो गया आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फॉर चंडीगढ़ यूनिट दैट इज रुपीज 1,12,000। नाउ कम्स टू थर्ड यूनिट जो कि लेट आउट भी है, और वहाँ पर भी वही सेम एप्लीकेबल होगा, म्यूनिसिपल वैल्यू गिवेन 1,20,000 और फेयर रेंट गिवेन 1,50,000, इसमें हायर कौन है, 1,50,000, देन इस 1,50,000 को स्टैंडर्ड रेट के साथ मैच किया जाएगा, कौन है जो है लोअर वो दैट टू बी टेकन, सो इधर स्टैंडर्ड रेट है 90,000, तो जो फेयर रेंट है वो जो फेयर रेंट है दैट कैनॉट बी एक्सीड स्टैंडर्ड रेंट, सो स्टैंडर्ड रेट हो जाएगा हायर, तो 90,000 जाएगा और उसके बाद फिर से हम लोग कंपेयर करेंगे 90,000 को, मतलब स्टैंडर्ड रेंट को रेंट रिसीव के साथ, रेंट एक्चुअल रेंट रिसीव, ये है आपका एक्चुअल रेंट रिसीव और व्हिच एवर इज हायर शुड बी टेकन, सो एक्चुअल रेंट रिसीव हुआ है 1,80,000, सो 1,80,000 विल बी ग्रॉस एनुअल वैल्यू, राइट, तो 1,80,000 फॉर
West Bengal unit will be gross annual value 180,000. Now, municipal tax paid by the SSC given 20,000 for the unit Kolkata. So, यहाँ 20,000 less हो जाएगा और remaining जो होगा वो होगा net annual value that is 160,000. Now, here 30% of NAV will be 40,000. 160,000 into 30% that is 48,000. And again, interest on borrowed capital given कितना 150,000. तो maximum जा सकता है 150,000. So, यहाँ पर net annual value से 30% NAV माइनस हो गया और इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल ऑल्सो माइनस हो गया. रिमेनिंग फिगर इज योर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी विच इज शोइंग लॉस रुपीज 38,000. तो ये हो गया आपका. तो फिर नेट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी IFHP विल बी कितना होगा. सी हियर नेगेटिव कितना है 238,000. नेगेटिव है 238,000, राइट. तो इसमें माइनस होगा 112 जो कि पॉजिटिव बैलेंस है, मतलब पॉजिटिव प्रॉफिट था. तो 126,000 हो जाएगा लॉस. 126,000 हो जाएगा लॉस जो कि सॉल्यूशन में नहीं है और एक स्टेप करने को भूल गया है. यह है 126,000 जो कि नेट लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, नेट लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, राइट. तो ये तो था सॉल्यूशन फॉर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी क्वेश्चन फॉर दिसंबर 2018 एग्जामिनेशन. यू नीड टू प्रैक्टिस इट एटलीस्ट 4 times फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड ऑल्सो यू कैन ईजिली सॉल्व इन एग्जामिनेशन, राइट. सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट एंड हैप्पी स्टडिंग.